एक तो इतना सारा काम है, ऊपर से ये मच्छर। तुम मच्छरों मुझे जानते नहीं हो, गलत भाई से पंगा ले रहे हो। आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर अब मुझे काटा तो अच्छा नहीं होगा। क्या करने का? क्या कर लूंगा मैं? क्या करने का बता? ओए ये कहाँ भाग गया? अरे उस्ताद डर के भाग गया हमसे। मच्छरो तुम्हारी माँ की। अरे बस करो बस करो, छोड़ दो छोड़ दो, मर रहे हैं मर रहे हैं, छोड़ दो। मोर्टीन मारेगा चुन चुन के। ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहिएगा। ओके तो पहले तो मैं बता देता हूँ इस वीडियो को हमने एडिट कैसे किया है। अच्छा सॉरी, अभी मैंने इस वीडियो को ब्लेंडर के अंदर एडिट नहीं किया, मैंने इसको जस्ट आफ्टर इफेक्ट पर एडिट करके आपको दिखाया है। कम टाइम के अंदर आप बेहतरीन वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो ब्लेंडर के एडिटिंग के बारे में भी बताऊंगा कि ब्लेंडर के अंदर अपने आप को 3D सीन के अंदर कैसे लेकर आते हो। अभी 2D की तरफ ही बढ़ते हैं। तो हमने जो ये वीडियो एडिट की है वो आफ्टर इफेक्ट पर की है। ये हमारी आफ्टर इफेक्ट मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया। इसके अंदर क्या क्या किया, पहले तो हमने एक बैकग्राउंड इमेज लगाई इसके पीछे। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने एक अपना सीन शूट कर लिया। मैंने ये ग्रीन स्क्रीन के ऊपर अपनी वीडियो को शूट किया। पहले अलग अलग जो जो मुझे स्टाइलिंग वगैरह देनी थी, पॉज वगैरह देने थे, उस हिसाब से मैंने इसको शूट किया। शूट करने के बाद क्या किया मैंने, इसको मैंने इस वीडियो को इंपोर्ट किया अपने आफ्टर इफेक्ट पर। ठीक है, ये मेरी वीडियो आ गई आफ्टर इफेक्ट पर। यहाँ से मैंने इसकी मास्किंग वगैरह की और इसके ऊपर एक इफेक्ट लगा दिया ग्रीन स्क्रीन का। ठीक है, ये मेरा ग्रीन स्क्रीन आ गई। मैंने ग्रीन स्क्रीन ओपन की तो मेरा ये बैकग्राउंड सारा कट हो गया और जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने मास्किंग करके रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बहुत सिंपल स्टेप डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ, मुश्किल वाले नहीं। उसके बाद ये वाली जो फायर इफेक्ट है, इस फायर इफेक्ट को मैंने कैसे क्रिएट किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इफेक्ट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर आपको एक ये मिलेगा इफेक्ट सेवर का। ठीक है, इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप की वो मिल जाएंगी कैटेगरीज के, आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए, फायर चाहिए, जो जो चाहिए आप उसको एडिट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी इफेक्टेड एनर्जी इफेक्ट बनाने के लिए। यहाँ तक हमारा सीन क्लियर हो गया। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद भी यही सीन है। एक मॉर्टिन स्प्रे था, उसको एनिमेशन करके मैं यहाँ पे ले आया। एक पार्टिकल्स लगा दिए यहाँ पे हाथ में आने के बाद। तो इस तरीके से एक मुख्तसर टाइम के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड वीडियो क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद साउंड इफेक्ट वगैरह किया, साउंड लगाए। तो हमारी ये प्यारी सी सिंपल सी एक छोटा सा क्लिप रेडी हो गया। अगर आप इस तरीके की एनर्जीज वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, इफेक्ट वगैरह के बारे में, हॉलीवुड इफेक्ट के बारे में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की अमेजिंग से ट्रिक टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।